सो हे गाइस, अभी हम हैं लाला लाजपत राज के साले और हाईलाइट के सामने। एंड गाइस यहां पर देखते हैं, आपको पूरी नॉलेज देंगे हाईलाइट में आकर आप कहां पर क्या जान सकते हैं। गाइस सो लेट्स गो, चलते हैं पहले कहां पर्चे बनवाते हैं, फिर ये सामने आपको पूरा ओपीडी का एरिया दिख जाएगा, इसका पर्चे कहां बनते हैं मैं अभी आपको दिखाते हैं। एंड गाइस जन औषधि केंद्र यहां पर है, एक बाहर आपको मिल जाएगा। एंड इसके आगे चलते हैं। सो गाइस एंटर करते हैं, यहाँ पर आपको भीड़ दिख जाएगी सामने। यहाँ पर ओपीडी के लिए पर्चे बनते देखने के लिए, यहाँ पर देखते हैं आप, लाइन लगी हुई है पर्चे के लिए, आप सभी लोग देखते हैं। एंड गाइस सामने आपको वेटिंग एरिया दिख जाएगा, एंड इस साइड से गेट था। एंड यहाँ पर आप सभी लोगों को ओपीडी चारों तरफ दिख जाएंगे, इस साइड पूरी चारों तरफ ओपीडी आपको मिल जाएंगी। ये नॉर्मल ओपीडी रहती है, यहाँ पर आप सभी लोग आ सकते हैं। चलिए अब इमरजेंसी ले चलते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, समाज के बाहर यहाँ से ओपीडी से अब ये सामने लिखा हुआ है इमरजेंसी, आपको दिखाते हैं वहाँ पर चलते हैं, फिर इमरजेंसी में कहाँ क्या होता है वो भी दिखाते हैं। तो गाइस इसके बाद इस साइड आपको इमरजेंसी का एरो दिख जाएगा, एंड सामने आपको ब्लू वाला इमरजेंसी दिख रहा है, यहाँ पर इमरजेंसी। चलिए इसका गेट और कहाँ पर क्या एंटर होता है वहाँ पर दिखाते हैं। एंड गाइस यहाँ पर भी ओपीडी के पर्चे बनते हैं, एंड ये न्यू बिल्डिंग अभी बनी हुई है, देखते हैं इसको। एंड गाइस ये मॉडिफाइड हाईलाइट का ओपीडी पर्चा बना केंद्र, जहाँ पर अभी आपको मैंने दिखाया था बाहर पर्चा। एंड गाइस इसमें आपको एरो दिख रहा है, ये आकस्मिक विभाग इमरजेंसी का एरिया जो ब्लू एरिया है। एंड गाइस ओपीडी रजिस्ट्रेशन एंड जचा वच्चा एंड बाल रोग चिकित्सालय पूरा इस साइड है, जहाँ से अभी हम आपको लेकर आए, जहाँ पर आप अभी आपको दिखाई दे पर्चा बनता है उसके और आगे भी जाएंगे, आपको जच्चा वच्चा मिल जाएगा। और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते, सब कुछ वहीं उस साइड है। एंड इस साइड आकस्मिक केंद्र है ये जो बना हुआ है। सो गाइस यहाँ पर नॉर्मल ओपीडी की पैथलैब एंड हर जगह की अपनी अपनी पैथलैब होती है पैथोलॉजी, एंड ये नॉर्मल ओपीडी की पैथलैब है, यहाँ पर सब कुछ अधिकतर हो जाता है, एक्सरे ये सब कुछ नॉर्मली जो डॉक्टर अपने पर्चे पर लिख कर यहाँ से देते हैं वो सब यहाँ पर हो सकता है। एंड गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख अधिरेचण कश एक्सरे अल्ट्रासाउंड इस साइड आपको मिल जाएगा, ओपीडी आपको इस साइड जिधर मैंने बताई 24 घंटे पैथलॉब भी जिस साइड मैंने बताई, एंड वार्ड 1 to 12 sorry 22 1 यूनिट ऑपरेशन थिएटर आपको सामने इस रोड पर मिल जाएगा। एंड गाइस इमरजेंसी आईसीयू जो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी वहीं पर है, एंड सिटी स्कैन भी आपको इस साइड में जाएगी। चलिए इमरजेंसी आपको दिखाते हैं सामने से। गाइस ये देखिए आकस्मिक विभाग हेल्पलाइन, ये है इमरजेंसी, सो इसके अंदर जाकर किसी पे। सो गाइस यहाँ पर आप सभी लोग पीछे देखते हैं, ये है इमरजेंसी, एंड इसके अंदर जाकर किसी पेशेंट को परेशान करना ठीक नहीं है। बट गाइस आप सभी लोगों ने इमरजेंसी देखी, आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा कहाँ पर क्या है। एंड गाइस अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन किसी के लिए हेल्प हो सकती है तो उसको शेयर करें, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें गाइस और वीडियोस देख के लिए। सो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग हेलमेट में आते हैं और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कहाँ पर क्या है। एंड पीछे से मैंने आपको पैथलैब वाला एरिया दिखाया था, यहाँ पर ओपीडी भी यहीं पर है, नॉर्मल ओपीडी इस जगह रहती है, एंड इमरजेंसी का एरिया ये ब्लू वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है इमरजेंसी का है। एंड गाइस इस साइड आपको एक्सरे और सिटी स्कैन दिख जाएगा, और आपको इस साइड इस गली के अंदर ऑपरेशन थिएटर, वो तो डॉक्टर खुद ही ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, आप डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाएंगे नहीं, बट जो चीज़ें ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी। सो बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।